सिनेमा रिव्यू में मैं भावना समाया आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते दो रिलीजेस है, एक बच्चों की कहानी चिल्लर पार्टी और दूसरी अडल्ट क्राइम थ्रिलर मर्डर टू। पहले बात करते हैं मर्डर टू की। भीगे होठ तेरे प्यासा मन मेरा। 7 साल पहले डायरेक्टर अनुराग बासु ने विशेष फिल्म्स के लिए मर्डर वन डायरेक्ट की थी, जिसमें एक शादीशुदा औरत मलिका शेरावत इमरान हाशमी से इन्वॉल्व हो जाती है। फिल्म बहुत कामयाब रही थी, खास तौर पे कुणाल गांजावाला का गाना भीगे होठ तेरे। अगर आप सोच रहे हैं कि मर्डर टू मर्डर वन का सीक्वल है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें इमरान हाशमी एक्स कॉप बने हैं और वो लड़कियों को परेशान नहीं बल्कि मदद करते हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, हमें पता नहीं है कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। वो मरी नहीं है, जिंदा है और मुझे मदद के लिए पुकार रही है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। इसमें भीगे होठ तेरे वो नहीं विलन गाते हैं। भीगे होठ तेरे प्यासा मन मेरा। विशेष फिल्म्स के प्रोडक्शन में सेक्स, क्राइम और म्यूजिक का एक खास मिश्रण होता है, इसमें भी है। हालांकि मर्डर टू का म्यूजिक उनकी बाकी फिल्मों के मुकाबले में थोड़ा कमजोर है। उनकी हर फिल्म में शॉक एलिमेंट का भी एक खास महत्व होता है, फिर वो 80s की सड़क हो, 90s की दुश्मन या 2002 की राज। उनकी कहानियां भले ही कहीं से इंस्पायर्ड हो मगर हमेशा अनोखी और कैरेक्टर्स इंट्रीगिंग होते हैं, जैसे गैंगस्टर या फिर वो लम्हे। मर्डर टू एक खतरनाक सीरियल किलर की कहानी है जो लड़कियों को डरा धमकाकर, तड़पा तड़पा कर, टुकड़े करके मारता है और फिर किसी वीरान जगह पर फेंक देता है। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। फिल्म का फर्स्ट हाफ वेल माउंटेड, फास्ट पेस्ड और एंगेजिंग है। प्रॉब्लम फिल्म का सेकेंड हाफ है। सिचुएशंस और कैरेक्टर्स प्रेडिक्टेबल है और एंड हमें पहले से मालूम होता है। विलेन की भूमिका में प्रशांत नारायण के सिवाय सारे परफॉर्मेंसेस बिल्कुल ही लैकलस्टर है। जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। इमरान हाशमी को हमने इसके पहले ऐसे रोल्स में बहुत बार देखा है। फिल्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सेसिव वायलेंस है, जो एक हद के बाद अनबेरेबल हो जाता है। औरों को अगर आपको सेक्स और वायलेंस की फिल्में अच्छी लगती है तो गोवा में शूट की गई मर्डर टू आपके लिए है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये फिल्म से दूर ही रहिए। मर्डर टू को मिलते हैं 3 स्टार्स। और अब बारी है चिल्लर पार्टी की। वो दो मारेंगे, हम 4 मारेंगे।
ये आसानी से हार नहीं मानेंगे दोस्त। खजूर लोग तालियां। बदतमीज। यू टीवी स्पॉट बॉय और सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शंस की चिल्लर पार्टी मुंबई के एक मिडिल क्लास कॉलोनी में रहने वाले 60 बच्चों की कहानी है। बोले तो कान खोल के सुन। बच्चों के माँ बाप ने उनके सोच समझ कर अच्छे नाम रखे थे, मगर उनके दोस्तों ने उनके कैरेक्टर के हिसाब से हटके नाम रखे हैं। जैसे पनौती, क्योंकि वो जो भी बोलता है उसका उल्टा होता है। जांगिया, क्योंकि उसे अंडरवेयर पहनना पसंद नहीं और उनका ये कहना है कि ऋतिक, शाहरुख और सलमान भी नहीं पहनते। सेकेंड हैंड, क्योंकि उसे हमेशा अपने बड़े भाई की उतरन पहननी पड़ती है। साइलेंसर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोलता। और एनसाइक्लोपीडिया, क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। बेचारे बच्चों की जिंदगी में बहुत सारी उलझने हैं, जिसका हम अडल्ट्स को एहसास भी नहीं होता। घर में उनको दूध पीना पड़ता है, माँ बाप की डांट खानी पड़ती है और स्कूल में टीचर के लेक्चर्स को सुनना पड़ता है। ऐसे में कॉलोनी में आता है एक और नया बच्चा, फटका, और उसके साथ एक नया कुत्ता, बिड़ू। ये कहानी है उनकी दोस्ती और उनके टकरार की, उनके अलग ख्यालात और उनके परवरिश की। कुछ फटका चिल्लर पार्टी से सीखता है और कुछ चिल्लर पार्टी फटके से। फिल्म में बहुत सारे यादगार पल है, जब बच्चे फटके का गाड़ी धोने का कपड़ा चुरा लेते हैं, जब वो उसके कुत्ते को चुरा लेते हैं और छुपा देते हैं, या उसको दोस्ती का प्रस्ताव देते हैं, और आखिर में उसके बचाव के लिए चड्डी पहनकर सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं। और अब ये छोटे शैतान हिला डालेंगे पूरा हिंदुस्तान। फिल्म का संदेश, राइटिंग, डायलॉग्स, सारे परफॉर्मेंसेस, खासतौर पे जांगिया, बिल्कुल ही लाजवाब है। बोले तो बाप इंडिया का वो भाई था जिस अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? फिल्म की इंटरेस्टिंग बात ये है कि बच्चों की कहानी होते हुए भी इसे एक फॉर्मूला फिल्म की तरह शूट किया गया है, और वो भी सेक्स, वायलेंस, गाली गलौज, डबल मीनिंग डायलॉग और एक भी स्टार अपीयरेंस के बगैर। कोई भी भाषण दिए बगैर फिल्म एनिमल केयर, चाइल्ड लेबर, पेरेंटिंग, कम्युनिटी लिविंग और मीडिया जैसे अहम मुद्दे को उठाती है। वो सारी बातें जो हमने स्कूल में मॉरल साइंस में सीखी थी और आगे चलकर भूल गए, चिल्लर पार्टी हमें वो सब बातें फिर से याद दिलाती है। हजार छोकरे भेजा ना ठोकरे और अपुन, पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिन, तेरी टाई टाई फिन, तेरी टाई टाई फिन, तेरी टाई टाई फिन, ऑफिस ऑफिस। डायरेक्टर्स विकास बहल और नितेश तिवारी की चिल्लर पार्टी एक साफ सुथरी होलसम एंटरटेनर है, जो हम बड़ों के लिए उतनी ही लाजमी है जितनी बच्चों के लिए है। चिल्लर पार्टी। ओ खजूर लोग तालियां। चिल्लर पार्टी को मिलते हैं 4 स्टार और सलमान खान को एक खास सलाम। तो ये था इस हफ्ते की रिलीज का रिव्यू। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।